इमारती लकड़ियों की तस्करी करने के मामले में कार्रवाई करते हुए कोरिया वन विभाग ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। मामला कुंवारपुर वन परिक्षेत्र का है, जहां फुलझर बीट से लकड़ियों को ट्रैक्टर के माध्यम से मध्य प्रदेश ले जाया जा रहा था। सूचना मिलने के बाद वन विभाग के अधिकारी हरकत में आए और घेराबंदी कर लकड़ी तस्करों को पकड़ लिया। मौके पर पहुंचने पर तस्करों ने उन्हें कुचलने का प्रयास भी किया, लेकिन वे अपने मंसूबों में सफल नहीं हो सके। मामले में वन विभाग द्वारा जरूरी कार्रवाई की जा रही है। कोरिया वन मंडल के कुंवारपुर वन परिक्षेत्र में लंबे समय से कीमती इमारती लकड़ी की तस्करी की शिकायत मिल रही थी। वन अमले को सूचना मिली कि फुलझर बीट से कीमती लकड़ियों को ट्रैक्टर में लोड कर मध्य प्रदेश ले जाया जा रहा है। इस सूचना पर वन विभाग के अधिकारी हरकत में आए और घेराबंदी कर आरोपियों को दबोचने का प्रयास किया। जानकारी के मुताबिक इस दौरान वाहन चालक के द्वारा अधिकारियों को गाड़ी से कुचलने की कोशिश की गई। हालांकि सूझबूझ दिखाते हुए अफसरों ने न सिर्फ अपनी जान बचाई बल्कि लकड़ी तस्कर को भी धर दबोचा। विभाग की इस कार्रवाई के बाद तस्करों में हड़कंप मचा हुआ है। ग्राम उलझर के शिव टोला में वाहन पहुंच रहा था, वहीं पे इसको पकड़े और अरेस्ट करके इसको ले आए रेंज कंपाउंड जनकपुर में ये रेस्ट हाउस पर। अभी इस समय जो है इसमें पता चला है कि अंदर साल का लट्ठा लोड है, इसलिए इसको अनलोड कराकर इसकी चेकिंग करा के नाप जो करके वापस इसमें लकड़ी यथावत लोड कराते हैं और कार्रवाई इसकी जारी है। इससे पहले भी कोरिया जिले में लकड़ी तस्करी के कई मामले प्रकाश में आ चुके हैं, जिसमें वन विभाग के द्वारा तस्करों पर कार्रवाई की गई है। इन सब के बावजूद तस्करी की घटनाएं कम होने के बजाय बढ़ती जा रही हैं। उम्मीद करना होगा कि ऐसे मामलों की रोकथाम के लिए वन विभाग आवश्यक पहल करेगा। कोरिया से ग्रैंड एशिया न्यूज़ के लिए मनोज श्रीवास्तव की रिपोर्ट।